कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों ने इंडिगो तो लगाया होगा। इंडिगो पाउडर अगर हम अकेला ऐसे ही लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका कलर थोड़ा सा जामुनी टाइप रहता है, पर्पल जैसा रहता है और थोड़ा सा कभी कभी ब्लूइश जैसा भी आता है, तो उस टाइप का कलर आता है, तो उसमें दिखता भी नहीं है हमारे हेयर में। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मेहंदी लगाना पड़ता है। मेहंदी लगाओ, उसके एक दिन बाद, दूसरे दिन बाद हमें इंडिगो लगाना पड़ता है। तो दो दो बार इस तरह से हमें लगाना पड़ता है और बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है। और उसके बाद हमें हमें जो चाहिए ब्लैक कलर वो हमें मिलता है। तो आज आपके लिए एक ऐसा मैं ट्रिक लेके आई हूँ जो इंडिगो पाउडर में ऐसी चीज हम मिलाएंगे कि जिसकी वजह से हमें फर्स्ट एप्लीकेशन में ही हमें मिलेगा ब्लैक ब्राउन कलर। यस, ब्लैक ब्राउन कलर जो आप देख सकते हो मेरे हेयर में आया हुआ है, जो यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको कि कैसा कलर आया है। तो इस टाइप का कलर मिलेगा आपको इंडिगो पाउडर से। तो इस टाइप का कलर नहीं मिलता है अगर हम सिर्फ इंडिगो पाउडर अप्लाई करते हैं। तो इंडिगो पाउडर एक प्लांट बेस ही है, एक प्लांट के जैसे मेहंदी को पीस के बनाया जाता है पाउडर, वैसे ही इंडिगो के पत्ते को पीस के ये पाउडर बनाया जाता है। मार्केट में इजीली मिल जाएगा आपको कहीं से भी। ऑनलाइन परचेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप परचेज कर सकते हो। तो अभी चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लास्ट में लाइक करिएगा, क्योंकि पहले वीडियो देख लीजिए उसके बाद फिर आप लाइक करिए। अगर पसंद आए तो ही लाइक करिएगा, और अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद आता है तो अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। तो आज की ये रेमेडी शुरू करनी है तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो प्लीज आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस हुई, कोई भी स्टेप मिस हुआ, तो फिर आपको जो मनचाहा कलर चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इंडिगो पाउडर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 6 स्पून इंडिगो पाउडर लिया हुआ है, कोई भी ब्रांड का चलेगा। तो यहाँ पे इंडिगो पाउडर लेना। तो अभी हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा मेहंदी। मेहंदी यहाँ पे हमने 2 स्पून लिया हुआ है, और मेहंदी इसमें मिक्स करने का हमारा रीजन यही है कि हमें जो कलर चाहिए वो हमें मिल जाए। लेकिन उसके लिए और भी आगे प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना है, तो ही हमें ब्लैक ब्राउन कलर मिलेगा। उसके बाद हमारा अगला इंग्रेडिएंट्स आएगा कॉफी। यहाँ पे कॉफी मैंने लिया है 1 स्पून। तो यहाँ पे हमें इसका प्रोपोर्शन आप कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन रेशियो यही होना चाहिए। 6 स्पून हमें इंडिगो पाउडर लेना है, 2 स्पून हमें मेहंदी लेना है, और 1 स्पून हमें कॉफी लेना है। तो ये पूरा प्रोपोर्शन आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और इन तीनों को मिक्स करके हमें इसके अंदर, अभी हमें मिक्स करने के लिए वाटर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वाटर लिया है गर्म, थोड़ा सा हमें गर्म करना है पानी को। गर्म पानी ही इसके अंदर ऐड करना है, उसका मैं रीजन बता दूं आपको। गर्म पानी इसलिए हम मिक्स करेंगे क्योंकि हमने जो इंडिगो पाउडर और मेहंदी और कॉफी, ये तीनों चीजों के जो कलर रहते हैं, तो उसको हमें साथ में मिक्स करना है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कब होंगे, जब वो गर्म होते हैं तब। तो इसके लिए यहाँ पे हमने गर्म पानी डाला है। तो गर्म पानी से ये सारे इंग्रेडिएंट्स अपने में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, इसके लिए हमने गर्म पानी डाला है। तो गर्म पानी जितना हमें एक स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए चाहिए, तो एज पर रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे गर्म पानी लेना है। अभी ये गर्म पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसको लिक्विड फॉर्म में रखिए, क्योंकि अभी इसको हमें 24 आवर्स ऐसे ही रखना है। इसीलिए अभी हमें क्या करना है, मिक्स करने के बाद इसको हमें थोड़ी देर धूप में रखना है, ऐसे ही हमें ओपन टू स्काई धूप में रखना है। इसको कुछ ढकना नहीं है, ऐसे ही हमें धूप में रखना है हाफ एन आवर के बाद इसको हम अंदर ले लेंगे। और उसके बाद फिर हमें दूसरे दिन सुबह इसको अप्लाई करना है। एक 24 आवर्स का हमें टाइम देना होता है ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के लिए, क्योंकि मेहंदी का कलर और इंडिगो का कलर और कॉफी का कलर, तीनों का कलर एक साथ में मिक्स हो जाए, और उससे मिक्स होने के बाद हमें अपना मनचाहा कलर मिलता है ब्लैक ब्राउन, जो आप देख सकते हो मेरे हेयर में। और फिर इसको अप्लाई करना है। रूट्स में अप्लाई किया है, पूरे रूट्स में अप्लाई किया है, मुझे पूरे बाल की लेंथ में नहीं करना था। अगर आपको पूरे हेयर में लगाना है तो पूरे हेयर में भी आप लगा सकते हो, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सादा मटेरियल चाहिए।
इसके लिए मैंने पूरा अपने बालों में लगा लिया, अपने स्कैल्प में लगा लिया। लगाने के बाद फिर मैंने इसको शावर कैप से इसको ढक दिया। अभी इसको हमें मैंने 2 आवर्स छोड़ा था अपने हेयर में। आपको देख लीजिए कि आपको मेहंदी के लिए आपको कितना टाइम लगता है, उस हिसाब से इसमें भी आपको उतना ही टाइम चाहिए। अगर आप 2 आवर्स लगाते हो तो 2 आवर्स, 3 आवर्स रखते हो तो 3 आवर्स। आप अपने हेयर के जो हेयर की, सबके हेयर के अलग अलग रहता है, किसी का हेयर जल्दी कलर पकड़ता है, किसी का हेयर थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उस हिसाब से आप अपना देख के कर सकते हो। वैसे मिनिमम यहाँ पे 2 आवर्स आपको रखना है और उसके बाद फिर नॉर्मल वाटर से आप वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हो कि कितना अच्छा कलर आया है। और कलर रियली आई एम वेरी हैप्पी टू से कि बहुत अच्छा, मुझे खुद अच्छा फील हुआ ये कलर देख के, और बहुत अच्छा लगा कि मेरा एक मेहंदी का वो जो रूटीन था उसमें ज्यादा इसमें मचमच नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा मेहनत भी नहीं है और बहुत अच्छा कलर मिल जाता है, जो अपने आप में ही एक अच्छी बात है। और तो ये इस तरह से आपको पूरा लगा देना है और हेयर वॉश भी कर लेना है। हेयर वॉश करने के बाद आपने रिजल्ट भी देख लिया। अभी इसको हमें लगाना कब कब रहता है, जब भी आपको ऐसा लगे आपके रूट्स में आपको व्हाइट हेयर आने लगे हैं तो आप तब लगा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसको लगाने से कुछ हार्म होता है, इससे कोई 100% सेफ है, इससे कोई हेयर को हार्मफुल नहीं होता है हेयर में, और इसको लगाना भी अच्छा ही है हेयर के लिए। और ये थोड़ा सा मेहंदी से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, तो अगर आप एक लॉन्ग लास्टिंग नेचुरल हेयर कलर की तलाश में थे तो आपको एक लॉन्ग लास्टिंग नेचुरल हेयर कलर घर पे ही मिल जाएगा और इजीली आप अपने हेयर में अप्लाई भी कर सकते हो और आपके हेयर में एक ब्लैक ब्राउन कलर अच्छा सा आपको मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और जाते जाते और एक बात, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और आपके कुछ प्रॉब्लम है स्किन और हेयर के रिलेटेड तो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ओरो ब्यूटी केयर, उसको भी आप फॉलो करिएगा। अगर आप फैशन रिलेटेड इंटरेस्टेड हो नए नए आउटफिट्स में तो उसके लिए हमारा फैशन पॉइंट्स है इंस्टाग्राम, उसको भी फॉलो करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।